त्रिशा, वेलकम है आपका मेरे चैनल पे मेकअप विद त्रिशा। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैंने कुछ ये लुक क्रिएट किया है। अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हो, अगर आप किसी इंगेजमेंट में जा रहे हो या फिर आपका इंगेजमेंट है, तो आप कुछ इस तरह का ये लुक क्रिएट कर सकते हो। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आराम से आप ये मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो। मैंने स्टेप बाई स्टेप इसमें मैंने बताया है कि मैं कैसे क्या कर रही हूँ, तो आप लोग वीडियो एंड तक देखिएगा। और अगर आप लोग क्या बोलते हैं, अगर आप लोग को ये वीडियो लोग अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और मेरे चैनल पे कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और बगल में एक छोटू सा बेल आइकन भी होगा, उसे भी आप लोग प्रेस कर दीजिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लग रही तो आप इसके अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए, अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यहाँ पर मैं गुड वाइब्स का रोज टोनर यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर मैं गुड वाइब्स का रोज़ हिप सीरम यूज़ कर रही हूँ। एंड विंटर में आप ज़्यादा मॉइस्चराइजर से ज़्यादा मैं सजेस्ट करूँगी आप फेसियल ऑयल या सीरम ही लगाएं, वो ज़्यादा बेटर रहता है। एंड इसको फेस में लगा के अच्छे से एक दो मिनट के लिए एब्जॉर्ब होने दें। एंड को इसको नेक पे भी ज़रूर लगाएं। उसके बाद यहाँ पर मैं गुड वाइब्स का ही जेल यूज़ कर रही हूँ, आई थिंक ये रोज़ जेल है, और इसको मैं अपने फेस पर अच्छे से लगा लूँगी एज अ मॉइस्चराइज़र भी। इन सारे प्रोडक्ट का बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग चेक जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर मैं NY का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, और ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है और बहुत ही कम प्राइस में ये मिलता है, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसको अच्छे से अपने फेस पे लगा लेना है। यहाँ पर मैं मेबलिन फिट मी फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, और सच में ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है। उसको यहाँ पर मैं लेके अपने फेस पे डॉट डॉट करके एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से टैप टैप करके ब्लेंड करना है। इसको आपको रगड़ना नहीं है, टैप टैप करके अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेना है। फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद, उसके बाद यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ स्टेक वर्की का ये कंसीलर पैलेट है। इसमें आपको कंसीलर, कॉन्टोरिंग एंड एक और शेड मिल जाता है, तो इसी से मैं कंसीलर शेड लेके अपने अंडर आईज़ पे लगा रही हूँ। और मेरे आईज़ पे एक छोटा सा पिंपल हो रखा है, तो उसको हाइड करने के लिए मैं लगा रही हूँ। एंड इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी मैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैं NY का कॉम्पैक्ट लेके अपने फेस को अच्छे से सेट कर लूँगी। अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप स्किप कर सकते हो कॉम्पैक्ट। फेस मेकअप डन हो चुका है मेरा। अब मैं आपसे आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। आई मेकअप के लिए यहाँ पर मैं मोर्फी का शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ, और वहाँ से मैंने एक ट्रांजेक्शन शेड लेके अपने क्रीज पे अच्छे से लगा के इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। और अगर आप अभी बिगिनर्स हो तो आप ऐसे सेलो टेप लगा के आई मेकअप कर सकते हो। तो इसको अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैं एक ब्लैक शेड लूँगी, इसी पैलेट में से एक ब्लैक शेड लेके अपने आई के कॉर्नर पे, जैसे आप मैं लगा रही हूँ वैसा ही आपको लगाना है। इसको साथ साथ में अच्छे से ब्लेंड करना है, जैसे मैं वीडियो में कर रही हूँ वैसा ही आपको लगाना है। अब मैंने इसको अच्छे से लगा लिया है। अब उसके बाद मैं एक शिमर शेड लेके, देख रहे हो आप, पिंक शिमर शेड है, इसको मैंने अपने क्या बोलते हैं आई के बीच में लगाया है। एंड इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। आईलाइनर के लिए यहाँ पर मैंने बेला का आईलाइनर लगाया है, और मैं इसमें अच्छे से मैंने एक थिन सा आईलाइनर मैं ड्रॉ करूँगी। तो गाइस, यहाँ पर मेरा आई मेकअप डन हो गया। अब मैंने ऑफ कैमरा फॉल्सेस लगाया है, और सच में फॉल्सेस लगाने से आई मेकअप बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। उसके बाद यहाँ पर मैं हाफ आईज पे काजल यूज़ कर रही हूँ। काजल के लिए भी मैंने बेला का ही काजल लगाया है, और इसको मैं सिर्फ अपने हाफ आईज पे लगाऊंगी। अब यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ सिवाना कलर्स का पैलेट, इसी में से कॉन्टोरिंग शेड लेके अपने फेस को कॉन्टोरिंग करूँगी मैं। एंड उसी में से मैं ब्लश शेड लेके ब्लश भी यूज़ करूँगी, सिवाना कलर्स पैलेट का ही ब्लश, और इसको मैं अपने चिक्स पे लगा लूँगी। एंड गाइज, यहाँ पे मैं आईब्रोज करना भूल गई थी, तो अब मैं आईब्रोज कर रही हूँ। आईब्रोज के लिए मैंने जेल आईलाइनर यूज़ किया है ब्राउन कलर का, और जो मेरा आईब्रो का शेप है उसी शेप में मैं अपने आईब्रोज को फिल कर लूँगी।
एंड गैस उसी पैलेट में का एक हाईलाइटर शेड लेके अपने आईज मेकअप को और अच्छा करने के लिए मैं अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट करूँगी। इससे आई मेकअप सच में बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाता है, आप लोग खुद ही देख लीजिए। एंड वही हाईलाइटर शेड लेके अपने मैं हाईलाइट पॉइंट को हाईलाइट कर लूँगी, चिन एरिया को, अपर लिप को, देन फॉरहेड को एंड नोज को एंड चीक बोन को। और इसको यहाँ पर मैं अपने आईब्रोज को भी हाईलाइट करूँगी। एंड लिपस्टिक के लिए यहाँ पर मैं स्टे क्वर्की का लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ और एक बहुत ही प्यारा शेड है। इन सारे प्रोडक्ट का बाय लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ये देख सकते हो बहुत ही अच्छा शेड है ये।